कितने दिन से तुम्हारी बहन घर नहीं आई है? आज 3 दिन हो गए गुरु जी, कॉलेज गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ ना, ये तो पुलिस केस है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं थाने नहीं जा सकता अंगूरी जी। वो क्यों नहीं जा सकते तो? अंगूरी जी, पहली बात तो ये कि मैं पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, और दूसरी बात ये है कि पुलिस रिपोर्ट लिखने में बहुत आनाकानी करती है, और तीसरी बात यह है कि अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो बात फैल जाएगी और मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी। लेकिन तफ्तीश और तहकीकात तो पुलिस ही करेगी ना सत्य प्रकाश जी, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप सही कह रहे हैं अंगूरी जी, लेकिन आप मेरी बहन का केस हैंडल कर सकती हैं, क्योंकि आप मेरे बहन की बदनामी नहीं होने देंगी, बात को फैलने नहीं देंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बहन का किसी लड़के से अफेयर या चक्कर वगैरह भी था क्या कुछ? नहीं गुरी जी, इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं। कोई महिला मित्र तो होगी ना उसकी, जिसके साथ वो कॉलेज आते जाती होगी या बात बात करती होगी उससे? हाँ, एक वंदना नाम की सहेली है उसकी, ज्यादातर वो उसी से बात करती थी। अच्छा क्या नाम बताया तुमने अपनी बहन का? रीमा नाम है उसका। रीमा की फोटो भी मैं आपको भेज दूंगा। अंगूरी जी, मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं अंगूरी जी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए अंगूरी जी, प्लीज प्लीज अंगूरी जी। अरे परेशान मत हो, पानी पियो, मिल जाएगी, पानी पियो तुम। अच्छा सत्य प्रकाश जी, आपका किसी पे शक तो नहीं है ना? और हाँ, मुझे वंदना का नंबर भी सेंड कर देना। मुझे शक तो किसी पर भी नहीं है, और मेरे पास रीमा के किसी फ्रेंड का नंबर नहीं है, वंदना का नंबर भी मेरे पास नहीं है। अच्छा तो एक काम करना, मुझे रीमा का भी नंबर सेंड कर देना। रीमा का नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन 3 दिन से वो फोन भी बंद जा रहा है। कौन से कॉलेज में पढ़ती है रीमा? वही पास में श्यामलाल कॉलेज में पढ़ती है, फर्स्ट ईयर में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी बहन से आपकी बात आखिरी समय कब हुई थी और कितनी देर तक बात हुई थी आपकी? 3 दिन पहले उससे बात हुई थी, लगभग 5-6 मिनट उससे बात हुई मेरी, और उसके बाद मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन छा रहा है, तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई उसके बाद। अरे सत्य प्रकाश जी, आप रोइए मत, अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे आपका फोन चाहिए कि रीमा से आपकी कब कब और कितनी देर तक बात हुई है कॉल पर। ठीक है, ये देख। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी बहन 3 दिन से गायब है और आप मेरे पास 3 दिन बाद आए हो, और आप कह रहे थे कि आप पुलिस के पास भी नहीं गए, आखिर 3 दिन तक इतना कहाँ बिजी थे आप जो आपको यहाँ पर आने का भी टाइम नहीं मिला, और ना ही आप पुलिस के पास गए हो? अंगूरी जी, मैंने 3 दिन तक अपनी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली, और पुलिस पर मैं क्यों नहीं गया वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और अंगूरी जी, एक मेन बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी बहन की शादी तय की हुई है, अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी बहन घर से गायब हो गई है तो वो रिश्ता तोड़ देंगे अंगूरी जी। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि आपकी बहन की शादी तय हो गई है, लेकिन पहले शादी आप अपनी करेंगे या अपनी छोटी बहन की करेंगे? अंगूरी जी कैसी बातें कर रही है, पहले मैं अपनी छोटी बहन की शादी करूंगा, अरे अपने बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा ना। ये भी बात ठीक है। अच्छा अगर आप सत्य प्रकाश जी बुरा ना माने तो मुझे आपके घर चलना है अभी और इसी वक्त। मेरे घर? मेरे घर क्यों जाना है अभी आपको? अरे सत्य प्रकाश जी, आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे रीमा के लापता होने के पीछे आप ही का हाथ हो। अरे नहीं नहीं गुरु जी, कैसी बातें कर रही हैं आप, चलिए चलिए मेरे घर। आप ये हुई ना बात, पॉली जी दीदी, हमें अभी सत्य प्रकाश के घर चलना है। जी जी चलिए। आइए गुरु जी, ये घर है मेरा, देखिए।
चाय कॉफी लेंगी आप? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। मुझे बताइए कि रीमा का रूम कौन सा है? गुरु जी ये रीमा का रूम है और वो मेरा है। दीदी क्या देख रही है? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी के काम करने का यही स्टाइल है। ठीक। गुरी जी ये रीमा के कमरे में क्या देख रही थी आप? इस घर में रीमा के कमरे में आखिर क्या मिलेगा आपको? अरे अंगूरी के काम करने का तरीका ही थोड़ा अलग है सत्य प्रकाश जी। अंगूरी केस को शुरुआत से नहीं आखिरी से देखना शुरू करती है और आखिरी से देखते देखते शुरुआत तक जाती है, और इसको तुम उल्टी गिनती भी कह सकते हो। क्या मतलब है आपका अंगूरी जी? मतलब ये है मेरा कि आप झूठ बोल रहे हो सत्य प्रकाश जी। ये क्या कह रही हैं आप? मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? सत्य प्रकाश जी सत्य बोलो, अगर असत्य बोलोगे ना तो फंसते चले जाओगे, ये याद रखना। दीदी नाम है सत्य प्रकाश और बोलता है झूठ। झूठ? अरे भला मैं क्या फंसूंगा? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? क्योंकि तूने अपनी बहन को मारा है। ये क्या बात कर रही है अंगूरी जी आप? मैं अपनी बहन को मारूंगा और उसकी इंक्वायरी आपसे कराऊंगा? ये पागल जैसी बात कर रही हैं आप। पागल? सत्य प्रकाश जी जरूरत से ज्यादा चालाक लोग भी ना बहुत जल्दी फंस जाते हैं। अच्छा एक बात बता कि तू 3 दिन पहले अपनी बहन के साथ अल्मोड़ा क्या करने गया था? अरे चौक मत, गए तो तुम दोनों थे और आया तू सिर्फ अकेला। अरे तू कहां छोड़ के आया अपनी बहन को? हाँ कहां धक्का दे के मार के आया तू उसको? अरे समझ तो मैं तभी गई थी जब तू ऑफिस आया था मेरे पास और जब तूने अपनी बहन की कॉल डिटेल दिखाई थी ना, टिकटें ट्रैवल एजेंसी सब देख लिया था मैंने। और घर तो मैं इसलिए आई थी कि सिर्फ एक चीज देखने के लिए, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? कभी तुम दोनों के चक्कर में वो बाधा बन रही हो और तूने उसको मार डाला और ये भी नहीं निकला। अब मुझे ये बता कि बात क्या है, सच सच, वरना बहुत बुरा भुगतेगा तू, याद रखना मेरी बात। हाँ मारा मैंने अपनी बहन को, वो क्या करता मैं? कितना समझाया कि ये मत कर, माने नहीं। पूरे समाज में कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे, लोग थूकते थे मुझ पर। अरे उसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही थी, इसलिए मार दिया मैंने अपनी बहन को। दिया धक्का मैंने उसको, गया था अल्मोड़ा लेके उसको, वो क्या करता मैं? पूरे समाज में हमारी बदनामी कर रखी थी, सब थूकते थे हमारे ऊपर, दहेज आ गया मुझसे, मार दे मैंने उसको। अरे ऐसा क्या कर देता उसने जो तूने उसको मार डाला? बताता हूं उसने। अरे हाँ हाँ ना मिलेंगे ना कल होटल में। अरे हाँ बाबू। अच्छा और बताओ। नहीं सुधरेगी तू? हाँ रुको मैं तुमसे बात करती हूँ। भैया क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है? अरे तुमसे कितनी बार मैंने मना किया है कि फालतू लड़कों से बात करना बंद कर दे, मेरी बात मान जा। अरे जिसको देखो तेरी बात ही करता है। हाँ रीमा ये रीमा वो रीमा ये, अरे पूरे मोहल्ले में से तेरी बात होती है। भैया देखो भाई हो भाई बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। और हाँ मुझे मेरा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से पता है, और लोगों का क्या है उनका तो काम ही है बोलना। तेरी वजह से मेरी इज्जत खराब हो रही है, उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हा? रीमा कभी इस होटल में जा रही है, रीमा कभी उस होटल में जा रही है, कभी वो लड़का तुझे देख रहा है, कभी वो लड़का तुझे मिल रहा है। हा? देख रीमा मेरी बात अच्छे से सुन ले, अगर मेरी इज्जत खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो भैया मेरी लाइफ में ना ज्यादा इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ बात रही मेरी लाइफ की तो वो तो मैं ऐसे ही जीने वाली हूँ,
और आप क्या बोल रहे हो होटल, वो तो कभी नहीं खत्म होने वाला क्योंकि मेरी लाइफ ऐसे ही है और ऐसे ही जीऊंगी। अच्छा तो तू नहीं मानेगी ना? हाँ ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगता है ना तू वो कर, और जैसा मुझे अच्छा लगता है ना मैं वो करूंगा, समझी? हाँ हाँ कर लो जो करना है, पड़े हैं मुझे समझाने वाले। हाँ बेबी बोलो। अरे वो कुछ नहीं। हाँ गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैंने जो भी कुछ किया आवेश में आगे किया, मुझे बचा लीजिए गुरुजी। अरे प्लान तो तूने अच्छा बनाया था, लेकिन गलती बस एक ही कर दी कि वो टिकटें तू अपने फोन से डिलीट करना भूल गया। अरे अगर तेरी बहन ने कोई गलती कर भी दी थी तो उसको समझाता ना, मारना कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है। और अब तूने उसको तो मार दिया, लेकिन अब तू खुद फंस गया, अब जेल जाकर जेल की रोटी खाना, समझा तू? इंस्पेक्टर साहब अंगूरी एडवोकेट बोल रही हूं।